नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर कोडिंगनेटर कैसे यूज़ करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है सिंपल ब्लॉक एप्लीकेशन इन कोडिंगनेटर और इस प्रोजेक्ट को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला हिस्सा है एडमिन पैनल और दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है फ्रंट एंड। तो बेसिकली क्या होगा कि एडमिन पैनल बनाएंगे, एडमिन पैनल में एक लॉगिन स्क्रीन होगी, लॉगिन स्क्रीन के बाद एक हमारा पेज होगा ब्लॉक्स जो कि उसमें तीन फीचर्स होंगे, ऐड एडिट डिलीट, बेसिकली इसको क्रेड भी कहते हैं। फिर इसमें एक सेक्शन हम लोग और देंगे ब्लॉग कमेंट्स, जिसमें हम क्या करेंगे कि ब्लॉक जो कमेंट्स हैं उनको ब्लॉक कर सकें और डिलीट कर सकें, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा उसका नाम होगा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हमारा पहला होम पेज होगा, होम पेज में क्या होगा कि हमारे जो ब्लॉक्स हैं उनकी लिस्टिंग होगी। एक दूसरा पेज होगा जिसका नाम होगा ब्लॉक डिटेल, यहाँ पर जो ब्लॉक है वो उसका डिटेल दिखेगा। और एक तीसरा पार्ट जो है वो होगा ब्लॉक कमेंट, तो हमारा जो ब्लॉक का जो डिटेल पेज होगा उसमें एक यूज़र है वो कमेंट्स भी कर सकता है आकर के। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कोडिग्नेटर की वेबसाइट पे जा करके जो कोडिग्नेटर का फुटप्रिंट है उसे डाउनलोड करना होगा। तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप कोडिग्नेटर की वेबसाइट पे चले जाएं और जाने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड्स में जाने के बाद आप ये कोडिग्नेटर का 3.x वाला जो ये फुटप्रिंट है इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद अगर आप ज़ैम्प यूज़ करते हैं तो ज़ैम्प के एचटी डॉक्स फोल्डर में आप जा करके इसको पेस्ट कर एक्सट्रैक्ट कर दें। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद में आप इसको कुछ इस तरह से पाएंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी कोडिग्नेटर ये सेटअप कर रखा है, तो इसको आप एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश कोडिग्नेटर। तो अगर इस तरह से आपके सामने वेलकम स्क्रीन आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको जो कोडिग्नेटर है वो पूरा की पूरा तरह से सेटअप हो गया है। ओके, तो अभी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक डेटाबेस भी चाहिए होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक डेटाबेस भी बना लेते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए बेसिकली मैं phpMyAdmin का यूज़ करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट phpMyAdmin। अच्छा, एक चीज़ और, आप अगर ज़ैम्प यूज़ करते हैं तो आप उसका जो सर्विसेज हैं अपाचे की और MySQL की उसको स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही ये खुलेगा। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस का मैंने नाम दे दिया माई ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, माई ब्लॉग एप्लीकेशन। माई ब्लॉग एप्लीकेशन में एक मैं टेबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा यूज़र्स, या हाँ यूज़र्स। तो यूज़र्स में क्या होगा, पहला कॉलम होगा यूज़र आईडी, दूसरा कॉलम होगा जिसका नाम होगा यूज़र नेम, तीसरा कॉलम होगा पासवर्ड। ये टेबल मैं क्यों बना रहा हूँ, ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मैं जो एडमिन है उसको लॉगिन करा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये टेबल बना रहा हूँ। ये हमारा यूज़र्स पहला कॉलम जो हो गया हमारा आईडी हो गया, या हम इसको यूज़र आईडी भी कह लें कह सकते हैं इंटीजर। और ये हो गया हमारा ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की मैंने सेट कर दिया। इसके बाद ये हमारा एक फील्ड होगा यूज़र नेम varchar100 और मैंने ले लिया पासवर्ड। पासवर्ड के जो होगा वो होगा वो उसका भी मैं 100 ले लेता हूँ, 100 करेक्टर उसका सेव कर दिया। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब क्योंकि एडमिन लॉगिन करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई यूज़र डेटाबेस में होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक एंट्री डाल दे रहा हूँ एडमिन, और पासवर्ड है एडमिन 123। ओके, आप क्या करते हैं कि हम लोग को एक लॉगिन स्क्रीन बनाना होगा। तो लॉगिन स्क्रीन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाना होगा। तो हम लोग को कंट्रोलर में जा करके एक फाइल बनाएंगे, उसको नाम देंगे लॉगिन डॉट पी एच पी।
एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, जब भी कोई भी कंट्रोलर बनाए तो उसका पहला लेटर है वो कैपिटल रखें, जैसे कि लॉगिन का मैंने एल कैपिटल रखा है। ओके सो अभी मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इसमें क्लास लॉगिन एक्सटेंड्स सीआई कंट्रोलर। ओके बेसिकली जो जो भी कोऑर्डिनेटर की कंट्रोलर बनता है उसको हमेशा जो है वो सीआई कंट्रोलर से ही एक्सटेंड करते हैं, तो आप लोग भी जब भी कोऑर्डिनेटर का कोई भी कंट्रोलर बनाए तो उसको सीआई कंट्रोलर से एक्सटेंड कर लें। अभी इसमें एक मेथड बना लेते हैं इंडेक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका इंडेक्स नाम क्यों दिया। देखिए बेसिकली कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि जो भी सॉरी इसमें जो हम कई सारे मैथ क्लास के अंदर मेथड्स यूज़ करते हैं, तो जो इंडेक्स मेथड होता है वो इसका डिफ़ॉल्ट मेथड होता है कि अगर हम इस लॉगिन कंट्रोलर को डायरेक्टली ब्राउज़र में एक्सेस करेंगे तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट मेथड होगा वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ओके तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे आपको दिख जाए। को हेलो अभी मैं इसको लिखता हूँ, इसको एक्सेस करने के लिए आपको लिखना होगा index.php/login। देखिए ये हेलो आ गया, दैट मीन्स अभी मैं अभी ये हेलो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये मेथड है वो कॉल हो रहा है। ओके अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी कोऑर्डिनेटर का जो पूरा URL वो कैसे चलता है। लॉगिन पहला होता है हमारा कंट्रोलर, फिर होता है मेथड, मेथड हो गया हमारा इंडेक्स, और फिर होता है हमारा पैरामीटर्स, चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे पैरामीटर्स का कोई भी नंबर्स हो सकता है, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी एक मेथड में और यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। फंक्शन टेस्ट इको टेस्ट फंक्शन। ओके तो मैं इसको एक्सेस करता हूँ टेस्ट। तो देखिए अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये लिखा मैंने कंट्रोलर का नाम और यहाँ पे लिया मेथड का नाम, लेकिन इंडेक्स के केस में मैंने उसको कॉल, मैंने यहाँ पर इंडेक्स वाला मेथड नहीं लिखा, फिर भी ये कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि जो कंट्रोलर होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट, अगर हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो इंडेक्स, वो ऑटोमेटिकली ही कॉल होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर एक व्यू कॉल करना होगा। व्यू को कॉल करने के लिए आप लिखेंगे दिस व्यू, दिस लोड व्यू, और व्यू का नाम होगा एडमिन। अच्छा व्यू को हम लोग पहले बनाना होगा, फिर यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। तो पहले आप व्यू जो है यहाँ पर आप बना लेना करके। व्यू को बनाने के लिए आप व्यू वाले फोल्डर में एक नया फोल्डर बना लें, उसको नाम दे दें एडमिन, जहाँ पर हमारे एडमिन के व्यूज़ होंगे। इस एडमिन वाले व्यू में एक मैं फाइल बनाऊँगा, उसका नाम मैं दूँगा login.php। ओके सो लॉगिन में अब इसको कॉल करने के लिए क्या होगा, इसको हमें इसका पाथ लिखना होगा admin/login, क्योंकि ये लॉगिन जो है वो एडमिन वाले फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए हम लोग को ये पाथ देना होगा। अभी हम लोग देखते हैं चलता है कि नहीं। देखिए ब्लैंक आ गया, कुछ लिख देते हैं यहाँ पे हाय, तो हमारा ये हाय आना चाहिए। देखिए हाय आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो ये व्यू है वो इस कंट्रोलर के में सही से लोड हो रहा है। तो अभी हमें लॉगिन फॉर्म में बनाना होगा। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें, तो आपको थोड़ा बूटस्ट्रैप का भी आइडिया हो जाएगा। तो चलिए एक बूटस्ट्रैप की साइड पर चलते हैं। आप क्या करें यहाँ पे, आपको आप CDN यूज़ कर लें, बाकी पूरा फोल्डर डाउनलोड करने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक खुद ही अलग पूरा पूरा टॉपिक है, उसको बाद में कवर करेंगे। ओके इसमें CSS, आई थिंक इसमें CSS नहीं है, सॉरी ये नहीं कॉपी करना है,
ये है ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा CSS फाइल हम लोगों का मिल गया, CDN जो कि हम लोगों ने यूज़ करा है। ओके, अभी हम लोगों को एक लॉगिन फॉर्म बनाना होगा। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए हम इसके एग्जांपल्स में या डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आप जिसका फॉर्म्स है वहाँ पे आ जाइए, लेआउट्स में, और लेआउट्स में आप, लेआउट्स में नहीं है सॉरी, कंपोनेंट्स में, सॉरी फॉर्म्स, आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर लीजिए। वहाँ पे जाकर के लॉगिन व्यू में इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ कि क्योंकि ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मैं जो भी HTML लिखता हूँ उसको थोड़ा मैं फॉर्मेटेड रखता हूँ, तो आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपना HTML जो है फॉर्मेटेड रखें। तो मैं एक ये ऑनलाइन फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, ये पूरा कॉपी हो गया। अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ, थोड़ा देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब इसको ज़रा हम लोग ये करते हैं, तो ये कुछ तरह इस तरह से देखिए, इस तरह से लोड होकर के आ गया। अभी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा तो इसको सही कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, क्लास कंटेनर, इसके अंदर एक और क्लास लेते हैं डिव, क्लास रो, और इसके अंदर डिव अभी इसमें लिखते हैं क्लास कॉल MD4, और फोर के बाद हम काम करते हैं इस पूरे कोड को, यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, चेक करते हैं एक बार ब्राउज़र में किस तरह से आ रहा है। ओके, अभी सेंटर में नहीं आया, तो सेंटर में करने के लिए तो क्या करना, लिखना पड़ेगा ऑफसेट 4, ऑफसेट MD4। ओके, अभी इसको टॉप से थोड़ा नीचे ले आते हैं क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है, और इसमें एक हेडिंग डाल देते हैं। H1, please sign in. Okay, और H1 ना लेकर के मैं इसको H3 ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा फॉन्ट साइज यूज करते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर, और बटन को ले लेते हैं BTN ब्लॉक, और BTN LG, और इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इसको, कस्टम लिख देते हैं स्टाइल पैडिंग टॉप 50। ओके, और इसमें से जो चीज़ें ज़रूरत नहीं इसको हटा देते, इसको कोई ज़रूरत नहीं है हटा दो यहाँ से, इसको भी हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, ये हट गया। और इसको भी हटा देते हैं, क्या जरूरत है इसकी। और एक पैडिंग यहाँ पे मार देते हैं, पैडिंग बॉटम 15 पिक्सल। आप देखो तो अब ये सही लग रहा है। ओके, सो
अभी आपका व्यू तैयार है और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसको पूरा मैं डायनामिक करूंगा और डायनामिक करने के बाद में यहाँ से यूज़र क्या है जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ से लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद में जो ब्लॉक्स हैं उनको मैनेज करेगा, जाकर के क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो अभी के लिए यहीं पे रोकते हैं और इसके दूसरे पार्ट में फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर।